इस वक्त हमारे साथ बाबूजी मौजूद हैं, ये साजिद और जावेद के पिता हैं। बेटा आपका कल किस समय गया था, क्या हुआ था, कुछ पता है? ये साहब सुबह को जाने के बाद उधर से आ गया था, उसके बाद में फिर ऐसा किसी ने फोन करा, तभी ये फिर यहाँ से मोटरसाइकिल उठा गया, घर वाले रोकते रहे क्यों जा रहा है, तो वो चला गया। उसके बाद में शाम को जब नहीं आया लौट के, तो पता चल आ गया कि किसी से स्टैंड पर लड़ाई हो गई अड्डा पे। तो हम लोग जावेद और हम और उसकी माँ ढूंढने गए। अच्छा। तो अड्डा पे मिले ही ना हमें, तो ढूंढाने घर आ गए हमने, अब चलो घर से फ़ोन करेंगे। तो फ़ोन कर रहा है तो फ़ोन भी ना लग रहा था, थोड़ी देर के बाद मालूम पड़े कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो ये इसमें हमें ये लग रही है, पता ना किसी की साजिद है, पता ना फ़ोन उन्होंने करा है, तब ये गया है। ये लड़का जावेद तो हमारे घर पर था, और ऐसा है भी जे भी नहीं, अब तो वो हो गया, तो अब तो वो तो उस पर रखा ही जाएगा भैया। ये भी कहा, मतलब आरोप ये लगाया जा रहा है, जो बच्चों की माँ है वो ये कह रही है कि जावेद और साजिद दोनों आए थे, जावेद नीचे था गाड़ी से और साजिद ऊपर आया था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम। वो तो सर मट्टी डाल लिया था यहाँ पर घर पर जब हम बताओ से आए, तो हमें भी कहना माँ उसकी और सब उसे ढूंढ रहा है साजिद के लिए, तो भागते फिर रही हमने, क्या बात है? और जावेद तो बोले वो साजिद से लड़ाई हो गई, कहूँ तो हमने की लाभ ठंडी करा लाभ, क्या बात हो गई? तो हम अड्डा तक गए लेकिन वहाँ हमें मिला ही नहीं। और जब आपको पता लगा कि ऐसा आरोप है बेटे पे कि बेटे ने इस तरह का मतलब कार्य करा दो बच्चों, क्या कहना है? मतलब जब पता लगा तो मतलब उस समय पहला रिएक्शन क्या था, क्या क्या चीज़ें थी? भरोसा हो पा रहा है अभी भी कि बेटे ने करा ही? लड़का हमारा ऐसे था नहीं। किसने बुलाया, कुछ समझ में आया? किसी हम तो बहुत दूर बैठते हैं ना, हमें ये क्या पता किससे दोस्ती थी, ये कुछ पता ना लगा हमें मालूम। इससे पहले भी कभी आपने मतलब ये नहीं कहा कि किसी गलत लोगों के संपर्क में है या कुछ भी ऐसा? हमें साहब कुछ ना मालूम पड़ा। अच्छा। ना तो हम उस पर कंट्रोल करते रोकते, लेकिन हमें ऐसा कुछ मालूम ना था। अच्छा, ये तो ये जाते दोनों शाम को आ जाते थे काम करके। अच्छा, ये जो चीज़ आप कह रहे हो, यही चीज़ वहाँ पर जो मतलब पीड़ित अक्ष वो भी यही कह रहा है कि इनके साथ तो इतने साल से हम लोग थे, इनसे किसी ने करवाया है, ये हर कोई कह रहा है। ये तो हम साहब कही रहे हैं कि ये तो कोई साजिद हो सकती है, ये बच्चे ऐसे हैं ही नहीं। जावेद का भी कुछ पता है कहाँ है, क्या है? पुलिस ढूंढ रही है लगातार। जावेद साहब यहाँ से फिर हम जावेद सब जने फिर भाग गए थे, अब हम पता लगाएंगे कहाँ है। हाँ। हमें नहीं मालूम है। चलो। तो ये देखिए, ये जावेद के पिता बाबू हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो इस वक्त ले जा रही है अपने साथ, और जो चाचा हैं साजिद और जावेद के, उन्हें भी पुलिस अपने साथ ले जा रही है। अब मौके पर लगातार जावेद की छानबीन की जा रही है, लगातार ढूंढा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बदायूं में ये जघन्य कृत्य हुआ था, उससे हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति उससे झकझोरा हुआ है। अब स्थिति अभी यही है कि लगातार जावेद को ढूंढने का कार्यक्रम चल रहा है, जावेद की शिनाख्त भी की जा रही है, लगातार उसे ढूंढा जा रहा है।